सो हे हाय हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सब देख सकते हैं। तो मैं अभी कहाँ हूँ, तो मैं अब आ गया हूँ हमारे जो कॉलेज है। तो हमारा जो एलके कॉलेज है, जो हमारा बांगड़ी कोसी में है जो हमारा कॉलेज, तो हमारा कॉलेज में तो हमारा ये जो बांगड़ी कोसी में ये सब हमारा जो बांगड़ी कोसी में जो कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है, तो उनमें से ये काफ़ी सारा बड़ा है। क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी सारा लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस टू से स्टार्ट होता है हमारा, जो प्लस टू प्लस थ्री जो हमारा वोकेशनल रहता है, साइंस रहता है, आर्ट्स रहता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है हमारा ये जो कॉलेज। तो इनमें ज़्यादा भी प्रिंसिपल लेक्चर वगैरह भी बहुत ही हैं। तो अभी तो देख सकते हैं चाबी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ताला वगैरह लगा हुआ है, तो लॉकडाउन जो हो गया है इसीलिए ताला वगैरह है। तो ताला खोलने के बाद शायद ये सब खुला हो जाएगा फिर से, जो हमारा पढ़ाई चालू हो सकता है। तो जितने दिन घर में है तो लॉकडाउन वगैरह है इसीलिए तो बंद है इसीलिए। तो आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है। तो मैं तो पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं आया नहीं हमारे कॉलेज को। तो अभी मैं आ गया हूँ। तो ये सब यहाँ पर भी पहले जो हम जब पढ़ते थे, तो यहाँ पर भी रूम वगैरह, यहाँ पर भी हम क्लास वगैरह करते थे। तो ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर तो तोड़ते हैं, यहाँ पर शायद नया भी रूम होने वाला है। तो ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये मैं जब क्लास करता था, तो यहाँ पर भी मैं क्लास करता था, तो ये सब नहीं हुआ था, तो हो गया है, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स आगे चल कर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो हम तो जहाँ जहाँ पे हम क्लास करते थे, तो ऊपर ऊपर फ्लोर पे तो हम क्लास करते थे। जो जब हम क्लास करते थे प्लस टू, जब हम पढ़ते थे प्लस टू प्लस थ्री पढ़ते थे, तो मैं हो गया मेरा 2-3 साल पढ़ाई को छोड़ के। तो हाँ, पढ़ने में यार मन नहीं लगा, इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया। तो आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे बहुत सारा लंबा लंबा जो हमारे क्लासरूम वगैरह बना दिए हैं। तो हॉस्टल का भी सुविधा है हमारा यहाँ पर, हॉस्टल मेस भी है, काफ़ी सारा लड़के दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर। तो ये हमारा बोलने के मतलब हमारा बांगड़ी कोसी का टॉप कॉलेज जो है, यहाँ से बहुत ही बच्चे जो क्या बोलते हैं उसको पास आउट करके काफ़ी बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं यहाँ से पास आउट होके। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं आगे एक सर के बाइक है। तो यहाँ पर हमारा बाइक वगैरह पहले हम रखा करते थे वहाँ पर नीचे, वहाँ पर हम साइकिल वगैरह रखा करते थे यहाँ पर पौधे के नीचे। तो अभी कैसा कहाँ कुछ रखते हैं मैं तो नहीं जानता। तो आगे चल के देखता क्या कुछ। यह हमारा लेबोरेटरी जो हमारा फिजिक्स लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी, ये सब देख सकते हैं। यह हमारा फिजिक्स लेबोरेटरी है, वहाँ पर केमिस्ट्री लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी ऐसे करके है। तो यह सब हमारा लेबोरेटरी का रूम है, जैसे देख सकते हैं आप यह सब। तो यहाँ पर हमारा जो ताला वगैरह लगा दिए हैं यहाँ, तो यहाँ से जाने के बाद ऊपर जो मिलता है कमरा, वहाँ पर हम क्लास वगैरह करते थे पहले, अभी कैसा कुछ करते हैं मुझे मालूम नहीं। तो ये हमारा एक टॉयलेट है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा लेडीज टॉयलेट है। तो यहाँ पर हमारा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो क्या बोलते हैं उसको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ रहता है वो सब लगा देते हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल जो लगाते हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं वो सब। तो ये बड़ा सा हॉल बना दिए हैं, तो ये भी प्लस टू लड़कों के लिए हैं। तो ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, नोटिस बोर्ड है ये सब। यहाँ पर ये दीवार पर ये हमारा लगा जाता है, तो ये सब देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है। तो ये भी काफ़ी बड़ा ही रूम है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर शायद 400-500 से बच्चे यहाँ पर एक साथ क्लास कर सकते हैं। तो ये भी एक नोटिस बोर्ड टाइप का ही है, नो मास्क नो एंट्री। तो फ्रेंड्स मैं तो बिना मास्क के ही आ गया है तो माफ करना। तो यहाँ पर ताला वगैरह नहीं लगाए हैं, काज को तो मालूम नहीं देखते। तो यहाँ पर भी नो मास्क नो एंट्री, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है हमारा कॉलेज। तो आगे चल कर देखते हैं। तो ये हमारा है ये जो क्या बोलते हैं लेबोरेटरी है, तो ये हमारा लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी वो तो बाहर से ही ताला लगा दिए हैं, तो अंदर नहीं जा सकते हम लोग, तो बाहर से ही हम शूट कर देते हैं ये वीडियो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा लेबोरेटरी है, ये हमारा लेबोरेटरी। तो बाहर से देखने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिखता है हमारा कॉलेज, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलकर हम देखेंगे क्या कुछ उधर से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा लेडीज हॉस्टल है, वो बाहर हमारा लेडीज हॉस्टल, और वहाँ पर हमारा जो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारा जो सार लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं उनके साथ गया था, उनके पास गया था, तो उनको परमिशन वगैरह मांगा मैंने कि मैं वीडियो शूट करूँगा या फिर नहीं। तो वो सार मुझे बोले कि जो हमारा चार्ज पे है तो उनको जाकर पूछ के आओ। तो मैं उनके भी घर गया था, तो उनको मैं पूछ के आया, तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो मैं बना नहीं पाता।
वो बोले, मेरा जो सर वो मुझे बोले कि अगर तुम वीडियो पॉजिटिव वे में बनाते हो तो कुछ नहीं, अगर नेगेटिव में, उनको बोला सर क्या कि नेगेटिव में क्या लूँ, अगर थोड़ी बहुत मेरी वीडियो के जरिए से कोई जान लेता है कि ये हमारा मतलब क्या हमारा कॉलेज काफ़ी अच्छा है तो और भी दूर दूर से पढ़ने के लिए आएंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारा जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, उनके एक मूर्ति वगैरह बना दिए हैं। तो वहाँ पर सामने से हमारा जो क्या बोलते हैं प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ यहाँ पर भी एक प्ले ग्राउंड है, तो देख सकते हैं वो उसके वजह से फ्रेंड्स दिख नहीं रहा। तो ये हमारा प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर हम क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कुछ वगैरह करते हैं, तो NCC के मतलब जो कुछ होता है तो यहाँ पर करा जाता है, होता है। और ये जो हमारा छोटा सा मैदान है, यहाँ पर हमारा जो जैसे भी स्पोर्ट्स वगैरह क्या कुछ सेरेमनी वगैरह होता है तो यहाँ पर हमारा टेंट वगैरह होता है, तो यहाँ पर वो सब मनाया जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दूर पे वो जो हमारा बड़ा सा बिल्डिंग है, वो अभी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेग्राउंड वगैरह जो अंदर सब जैसे खेला जाता है, बैडमिंटन जैसे, वो टेबल टेनिस क्या क्या बोलते हैं उसको मुझे मालूम नहीं ठीक से, तो मैं तो क्रिकेट प्लेयर हूँ फ्रेंड्स, उसका वो सब मुझे मालूम नहीं, तो फिर भी वो सब वहाँ पर खेला जाता है। वो हमारा लेडीज़ का जो है इधर गया वो रहा, तो कैमरा से दिखाने में कोई दिक्कत होता है फ्रेंड्स, तो वो रहा हमारा लेडीज़ का जो हॉस्टल है वो है। तो उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मैं दिखा दूँगा वो, फिर वो अभी हमारा जो ऑफिस है वहाँ पर जो हमारा सर वगैरह वहाँ पर बैठते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चल कर देखते हैं क्या कुछ होता है, तो चलिए आगे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो हॉस्टल वगैरह बॉयज़ हॉस्टल है जो वहाँ पर दो है शायद अलग अलग के, पहले जो पुराना था वो उस पर पहले रहते थे, अभी नया भी हो गया है तो उसमें बच्चे रहते हैं। तो चलिए वो सब देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे, आगे क्या कुछ होता है वहाँ पर देखेंगे आगे क्या कुछ है। तो यहाँ पर बहुत सारे नए नए रूम, क्लास वगैरह, क्लासरूम वगैरह, वो ऊपर साइड भी देख सकते हैं आप, देखते फ्रेंड थे यहाँ पर भी ऊपर साइड पर भी बहुत सारे रूम वगैरह बना दिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत दिन से 3-4 साल हो गया फ्रेंड्स, इसलिए मैं आया नहीं था कॉलेज को ना, बहुत सारा बदलाव हुआ आ गया। तो चलिए हम आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होता है, तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप वगैरह होता है, जो सब जो स्टाइपेंड वगैरह जो अप्लाई होता है, तो यहीं पर सब होता है हमारा। तो यहाँ पर बच्चे लोग सब खड़े होकर लाइन लगा के यहाँ पर सब अप्लाई करते हैं। अकाउंट काउंटर है वहाँ यहाँ पर, और आगे क्या कुछ है मैं दिखा देता हूँ। ये एडमिशन काउंटर है, तो ऐसे कुछ काउंटर वगैरह है यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी काम चालू है। तो ये देख सकते हैं रोलर वगैरह क्या कुछ है, मिक्सर मशीन है ये यहाँ पर मिक्सर मशीन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। तो पहले वहाँ पर हुआ करता था फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत दिन से गया नहीं ना, शायद वो भी तोड़ दिए होंगे, यहाँ पर सब बच्चों को शिफ्ट कर दिए होंगे फ्रेंड्स। तो मैं बोल रहा था जो हमारा प्लेग्राउंड होता है तो वो ये है, तो इसमें जो बच्चे लोग खेलते हैं शायद, मुझे पता नहीं ठीक से। तो ये हमारा जो रोड है कॉलेज का एंट्री गेट यही है फ्रेंड्स, तो यही से बच्चे लोग सब एंट्री करते हैं। तो साइड में ये सब देख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए हैं। तो हम साइकिल वगैरह यहीं पे पार्क करा करते थे पहले, अभी कैसा करते हैं मुझे पता नहीं। तो पहले हम यहाँ पे यहीं पर साइकिल को पार्किंग करके वहाँ पर चल के जाते थे, यहाँ से क्लास करते थे। तो अभी कैसा कुछ करता है मुझे तो पता नहीं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहीं पर हम सब साइकिल को पार्क किया करते थे। अभी काफ़ी बड़ा हो गया है ये हमारा जमीन, तो काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी बड़ा करते हैं, शायद जो भीतर में कुछ रखे हुए हैं ये सब करते हैं बोरिंग में बांध के। तो आगे हम जो हमारा फ्रंट साइड होता है हमारा हल्के कॉलेज का, वो कैसा है मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रहा हमारा हल्के कॉलेज कांगरी बस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अलग का मैं ब्लॉग लेके आया हूँ आपके लिए। तो जो हमारा कॉलेज है उसको मैं आपको दिखा कि कैसा कुछ है हमारा कॉलेज, हमारा बांगरी पसी जो कॉलेज है। तो ब्लॉग अगर अच्छा भी है, थोड़ी भी अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाता रहता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो थोड़ा सपोर्ट करना भाई मेरे को। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और घर के लिए निकलते हैं।